अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पे हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बच्चों की थोड़ा और टी शर्ट्स वगैरह भी मुझे लेना था, इसी वजह से मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेके जा रहे हैं हमें। अभी इस टाइम पे रमज़ान के लास्ट क्लास जब रोज़े चलते रहते ना, मार्केट फुल रश रहती है, इसी वजह से हम चले गए मॉल। यहाँ पे बच्चों को डिलीवर के लिए कपड़े वगैरह भी लेना था, तो यहाँ पे जाने के बाद बच्चे तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि पूरा रमज़ान रोज़े में तो कहीं पे बाहर नहीं गए थे हम, क्योंकि रोज़ा रह के फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसी वजह से आज भी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रोज़ा है, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे मॉल को आके। ऑलमोस्ट 20 या 25 दिन हो गए हम कहीं बाहर आए नहीं थे, तो यहाँ पे बच्चे टॉयज़ वगैरह भी देखते हैं, लेकिन बच्चों को मैंने कोई यहाँ पे टॉयज़ वगैरह नहीं लेके दिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो भी अरमान और शर्मिन के लिए कपड़े लिए पे बिलिंग कराने के लिए रुके थे, तो यहाँ पे इनकी शरारत हो गई स्टार्ट। उसके बाद वहाँ से हम फिर दूसरी एक और वाली शॉप में आ गए, यहाँ पे भी शर्मिंदा शुरू हो गया। उसके बाद बच्चों का मन था कि गेम्स वगैरह खेलें। यहाँ पे ये फिश टैंक में ये जो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे बच्चे दोनों बैठ चुके थे और मेरे हस्बैंड वहाँ पे वो रस्ते वाली कुर्सी पे वो वहाँ बैठे हुए थे। तो आज है मुशर्रफ़ करने मेरी दीदी का बर्थडे का फर्स्ट रोज़ा, तो हम यहाँ से जल्दी ख़त्म करके मुझे घर भी जाना था, इसी वजह से मैं बच्चों को बोल रही हूँ जल्दी जल्दी। लेकिन बच्चों का तो अब पता ही रहता है कि एक बार उनको कहीं पे लेके जाओ वो पूरा होने तक भी नहीं आएंगे। उसके बाद वो कराने के बाद यहाँ पे गेमिंग जोन पे इधर आ गए, आने के बाद यहाँ भी उनको अलग अलग गेम्स वगैरह खेलने थे। तो यहाँ पे देखिए, इनको हमने एक या दो तो नहीं गेम खिलाए, उनके लेट हो चुका था, इत्यादि का भी टाइम हो रहा था, घर वापस जाना था और अब्बा भी कॉल कर रहे थे। उसके बाद यहाँ से हम निकल गए घर के लिए। घर जाने के बाद दीदी अम्मी के घर में दीदी रुकने के लिए आए थे 2 दिन के लिए, तो यही पे ही वो रखा था रोज़ा, इसी वजह से अम्मी के घर में कुर्ती वगैरह पहना रहे थे। तो मैंने कॉल करके बोल दिया था अब्बा को कि आप रेडी ही रखो, मैं जैसे आऊँगी तो फूल वगैरह उसको दे पहना दूँगी, क्योंकि सिर्फ 15 या 20 मिनट ही बचे थे। तो इसी वजह से आज बहुत दिन के बाद हम बाहर गए थे, तो मेरे हस्बैंड का सुबह से ही प्लान था, मतलब 2 दिन पहले से ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज के दिन हम बाहर जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड का प्लान था कि 4 या 5 बजे के करीब हम घर से निकल जाएंगे, इसके अभी भी बाहर ही करेंगे, रात का खाना हम बाहर ही खा के बच्चों को थोड़ा गेम्स वगैरह खिला के आएंगे, ऐसे उनका प्लान था। लेकिन रोज़ा मुशफ़ जब रोज़ा रहा तो हमें प्लान चेंज करना पड़ा। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ जल्दी आ गए थे, हम 4:30 बजे से करीब हम निकल गए थे मॉल के लिए। यहाँ से सिर्फ मॉल से जो भी लेना था हमें मॉल से लेके फिर निकल गए हम घर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे को लेट भी हो चुका था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें ना, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए बच्चे खुद इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम घर आ गए थे इफ्तारी के टाइम पे, तो यहाँ पे मुशफ़ी का मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि उसको थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी रोज़े में, तो इसी वजह से मुँह बना रहा है। उसके बाद वहाँ से अम्मी के घर से इफ्तारी करके खाना वाना खा के बच्चों को अम्मी के घर में ही छोड़ के मैं मेरे हस्बैंड निकल गए फिर से मार्केट, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब लास्ट रोज़े ईद के सामने सामने रहते हैं ना, तब मार्केट को लेके जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उससे पहले वो थोड़ा बिजी भी रहते हैं काम की वजह से, तो उनको नहीं लेके जाना रहे, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे हम फर्स्ट आ गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भराया, उसके बाद हम निकल गए मार्केट के लिए। आज था हमारे यहाँ 28 रोज़ा,
तो मार्केट में इतनी ज़्यादा रश थी, देख सकते हैं आप, ये मार्केट का पीछे वाला साइड है, यहाँ पे इतनी रश है। उसके बाद हम निकल गए जो मेन मार्केट है पीछे वाली वहाँ पे, लेकिन वहाँ इतनी रश थी हमें आगे जाने के लिए जगह ही मतलब रास्ता ही नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने थोड़ा चप्पल वगैरह देख के हम घर वापस आ गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।